देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी। आपको जल्दी किस बात की है वैक्सीन निकालने की? आपको क्लिनिकल ट्रायल पूरे नहीं हुए, आपने वैक्सीन निकाल दी। एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर इन दिनों देश भर में बवाल मचा है। एस्ट्राजेनेका ने यूके हाईकोर्ट में दिए गए अपने अदालती दस्तावेजों में पहली बार माना है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन के साइड इफेक्ट के कुछ दुर्लभ मामलों में टीटीएस सिंड्रोम जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये सिंड्रोम शरीर में खून के थक्के जमने की वजह बनती है। इसके चलते व्यक्ति में ब्रेन स्ट्रोक होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। इस हंगामे और शोर शराबे के बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का कोरोना काल वाला साल 2021 का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह वायरल हो रहा है। अखिलेश ने उस वक्त कोरोना वैक्सीन लगाने से साफ इनकार कर दिया था, ये इल्जाम लगाते हुए कि बीजेपी के वैक्सीन पर मुझे भरोसा नहीं है। देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। आपको जल्दी किस बात की है वैक्सीन निकालने की? आपको क्लिनिकल ट्रायल पूरे नहीं हुए, आपने वैक्सीन निकाल दी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर ये सेफ समझते हैं तो उनके मुख्यमंत्री क्यों मना कर रहे हैं? दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कोरोना काल के दौरान सबसे मुखर तौर पर वैक्सीन का विरोध किया था, ये उसी दौरान के बयान है। अब अखिलेश यादव ने उसी मुद्दे पर सोशल साइट एक्स पर लिखा है, हमने पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं कि पूरी तरह से जांच परीक्षण के बिना वैक्सीन दिया जाना सही नहीं था। अब जब विदेशी कोर्ट में कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने खुद इसके बुरे साइड इफेक्ट के बारे में स्वीकार कर लिया है तो फिर जनता को और क्या सबूत चाहिए? अखिलेश ने अपने इसी पोस्ट में आगे लिखा है, अब भाजपाई जहां भी जाएंगे जनता के जीवन का सवाल उनका पीछा करेगा, इसका शिकार तो भाजपा के समर्थक भी हुए हैं। वैक्सीन के बुरे असर और जनता के विरोध के कारण भाजपाइयों का डर तो आम जनता के डर से दो गुना हो गया है। धीरे धीरे पनपते जन विरोध को देखते हुए भाजपाइयों के घरों और वाहनों से झंडे उतर गए हैं और गलों से भाजपा के पट्टे भी, क्योंकि आम भाजपाई को तो सुरक्षा का कोई घेरा नहीं मिला है। अब देखिए भाजपा कैसे अपने मंचों से दावा करती है कि उसने कोरोना काल में जनता की जान बचाने का काम किया है। और इस पोस्ट में आखिरी लाइनों में लिखा है, देश की संपत्ति बेचने वालों ने चंद पैसों के लिए देश की करोड़ों लोगों की जिंदगियों की भी बाजी लगा दी, अब जनता भाजपा को हमेशा के लिए हटाकर अपना वर्तमान और भविष्य दोनों सुरक्षित कर लेगी। बता दें कि एस्ट्राजेनेका कंपनी को क्लास एक्शन मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। इस मुकदमे को जेमी स्कॉट नाम के शख्स ने दायर किया था। उनके मुताबिक अप्रैल 2021 में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर बनाई गई एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लेने के बाद वे ब्रेन डैमेज का शिकार हुए थे। इसके अलावा कई अन्य परिवारों ने भी अदालत में इसको लेकर शिकायत की थी कि वैक्सीन लेने के बाद उन्हें इसके साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि भारत में एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन फॉर्मूले का लाइसेंस पुणे स्थित वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दिया गया था और एक दावे के मुताबिक देश में कोविशील्ड की 175 करोड़ से अधिक खुराक दी गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।